I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Hello guys, आज है वीकेंड, आज है सैटरडे. सो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ सरप्राइज देते हैं. ये इंसान वैसे उठ गया है क्योंकि ये बाहर कुछ ज्यादा ही नॉइज हो रहा है. चाह रही थी मैं देर तक सोना, बट 8 बजते हैं और काम चालू हो जाता है. खड़ा खड़ा तो ये ऐसे फोकट के इल्जाम लगाती रहती है ना कि मैं कुछ बनाता नहीं. तो मैं आज कुछ ऐसी चीज बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है. पानी पूरी बन चुकी है एंड ये भी रखी हुई है. तो अब हम खाएंगे पानी पूरी, जिसके लिए आलू का मसाला बन रहा है. और अब देखते हैं क्या करेंगे. सैटरडे है, वैसे भी ज़्यादा कुछ तो करने के लिए रहेगा नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसमें कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा. फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 10% विटामिन सी एसेंस सीरम बाय मामा अर्थ. ये मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करता है, इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. इस सीरम के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन सी, गोटू कोला ऑयल एंड नियासिनमाइड. तो ये जो गोटू कोला ऑयल है ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को रीस्टोर करता है, विटामिन सी सन डैमेज से फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को रेडियंस प्रोवाइड करता है, एंड ये आपकी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करेगा. जो पोटेंट एसेंस सीरम है इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, वॉटरी टेक्सचर है, जो कि क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर एंड लॉन्ग लास्टिंग ग्लो को प्रोवाइड करता है. मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड. आप जब भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे मामा अर्थ की वेबसाइट से, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप मामा अर्थ का प्रोडक्ट तो परचेस कर ही रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट परचेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब टॉक्सिन फ्री होते हैं, इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, ये सब नेचुरल इंग्रीडियंट्स के थ्रू बनते हैं. सो ऑल द लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, यू विल गेट 20% ऑफ मामा अर्थ की वेबसाइट पे. मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं mamaearth.in पर, नायका पर, अमेजन पर एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप पर, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको. I'm happy. It's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough, so kiss me again and again and again. The way it should be, you see, we're more than a couple. Of hours away from love, so kiss me again. Keep me goosebumps. Ooh, ooh, ooh.
up in your shadow, feeling good. Hi everyone, तो मैं काफी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ एंड मैं जस्ट अभी शार लेके आई हूँ. तो अभी हम लोग लंच करने के लिए बैठ रहे हैं. वैसे मैंने बताया कि नहीं बताया शुरू में कि आज सैटरडे है, तो वीकेंड का व्लॉग चल रहा है, वीकेंड का वार टाइम्स वीकेंड का व्लॉग चल रहा है एंड मैं अभी जस्ट शार लेके आई हूँ एंड यस अब मैं लंच करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. आई ऑल्सो रिसीव्ड फ्यू पार्सल, मेरे पास पार्सल्स आए हुए हैं तो आज मुझे शूट भी करना है. यूजली मैं सैटरडे संडे को काम नहीं करती हूँ बट क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैक्ड रहने वाली हूँ इसलिए मैं आज काम करूँगी. आज मुझे एक वीडियो एडिट भी करना है, थोड़ा सा हो गया है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह उठते से ही एंड मुझे शूट भी करना है. तो मुझे इस सैटरडे और कल संडे को भी मैं थोड़ा काम करूंगी. मैं भले वीकडे में ब्रेक ले लूंगी क्योंकि क्या है ना कि एटलीस्ट ये ब्रांड वैंड वाला काम जो है वो एक सरदर्द लगता है. खुद का काम तो ऐसा है कि मैं कर सकती हूँ कभी भी बट वो कमिटमेंट्स होते हैं, प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, तो इसलिए वो मैं फटाफट कर कुरा करके आज कल मैं कल तक मैं सारे वीडियो एडिट करके फ्री हो जाऊंगी सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीक पूरा पैक्ड है उसमें मुझे टाइम मिल जाए बाकी काम करने के लिए जो मेरा काम के लिए मैंने पैक रखा है उसको. हे गाइस, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिल रही हूँ अभी 8:00 पे. सो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि आज सैटरडे है, 4:00 पे अराउंड मेरे जो मैं पुरानी सोसाइटी में जहाँ पर रहती थी तो वहाँ पर हम लोगों के वैसे तो सब काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट था. एक हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब उन लोगों से हमारा काफ़ी क्लोज वाला रिलेशन है. क्लोज इन द सेंस में सिर्फ फैमिली वाली फीलिंग आती है. तो वो दीदी एंड भैया अभी तक जनवरी में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तब से हम लोग तो गए हैं उनके घर पे बट वो इस घर में फर्स्ट टाइम आज खाया पिया सब साथ में बैठे बहुत देर तक बातें वगैरह करी एंड वो उनके साथ ऐसा रिलेशन है मतलब वो लोग काफ़ी बड़े हैं. तो अब जैसे हमारी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी ऐसा कुछ काम होता है तो वी इन्फॉर्म देम, दे हेल्प अस एंड वी टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, ऐसा वाला हम लोगों का रिलेशनशिप है उनके साथ. एंड जो मैं आज शूट करने वाली थी वो कल करूँगी. तो कल एक और सुबह हमारे यहाँ एक और कपल आने वाले हैं, विक्की के फ्रेंड हैं वो. Don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Hi everyone, so आज है नेक्स्ट डे. एक्चुअली मैं सुबह से इतनी ज्यादा काम में बिजी हुई थी, इधर उधर के काम इतने ज्यादा मतलब उसमें थी मैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉग करने का. तो अभी मैंने शार वार सब कुछ ले लिया है, लंच हमारा हो चुका है. तो आज एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो गैस का जो सिलेंडर है ना वो खत्म हो गया फाइनली. दो यहाँ पर पाइपलाइंस आ चुके हैं, लग भी चुका है बट वो जो होता है ना गैस में वो चेंज होता है, कुछ तो भी चेंज होता है. तो वो अब हमने आज कॉल किया है, वो कल आएगा. तो कल तब तक हम इंडक्शन में बना लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है. एंड अभी वी जस्ट गॉट केक और ये भेजा है निशा ने, ऐसे ही फ्रेंडशिप डे के उस पर भेजा हुआ है. और दो आज हम जाएंगे भी उनके घर पे. पुड़ी बाबा, वाह. चलिए गाइस, तो अब शूट करने बैठते हैं. मेरा कैमरा आया है, मैं उसको प्रॉपरली उसका जो कैमरा बैग है ना मैं उसके अंदर रख रही हूँ. वरना अभी तक मैं क्या करती थी, मैं बस कैमरे को ड्रॉर है उसके अंदर रख देती थी. तो इट माइट पॉसिबल कि मॉइस्चर घुस गया हो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है. उन्होंने मुझे बताया नहीं कि दिक्कत क्या आई और ना ही मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली. मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने बस कैमरा उठाया, चेक किया और मैं आ गई. विक्की मुझे जब नीचे पूछा क्या बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने बोला ये तो मैंने पूछा ही नहीं. तो दिस इज़ माई कैमरा और ये न्यू लेंस है इसलिए अब ये थोड़ा वैसा लग रहा है क्योंकि जो पुराना लेंस था ना वो काफ़ी छोटा सा था, ये देखिए. और अभी ये ऐसा है सेटअप क्योंकि मैं बैठने वाली हूँ इसी बेड पर, इसलिए मैं यहाँ पर बैठती हूँ क्योंकि अभी सामने से नेचुरल लाइट जो है वो बहुत अच्छी आती है तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो पीछे कुछ ऐड करने के लिए मैं ग्रीनरी रख दूँगी. Searching for steady ground.
you settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind. And it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I will run across the rivers anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow. शाम हो गई है, मेरा शूट भी खत्म हो गया है. एक्चुअली मैं शूट कर ही रही थी उसी बीच में. मैंने कल बताया था ना विक्की के एक और फ्रेंड्स हैं, वो भी आने वाले हैं, तो वो लोग आए थे. एंड अभी हम जा रहे हैं निशा के घर पे. जिन कपड़ों में थे हम उन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं. ओके गाइस, सो वी आर बैक और हम लोग निशा के घर से आ गए. हम गए थे 2 मिनट के लिए, पर वो बातें करते करते, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम उनकी मम्मी से मिली हूँ. कल भी हमारे जो पुरानी सोसाइटी के, जिसका मैंने बताया था, वो आए थे. आज हम मतलब इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ नाइस पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, और वो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स जैसे जो रहते हैं ना, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग इन मुंबई. क्योंकि जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ बाहर, अलग रहते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एक या दो, मैं बहुत नहीं बोल रही हूँ, बहुत होने चाहिए, एक या दो ऐसे फ्रेंड्स, या उनको कम फैमिली बोल लो, इस तरह के होने चाहिए कि आपके दुख सुख सब चीज़ में वो खड़े रहें आपके साथ. और ऐसा नहीं कि आप सब दूसरों से एक्सपेक्ट करो, वो होने के लिए आपको भी ये करना पड़ेगा. हम वहाँ बैठे रहे, बातें करते रहे, काफ़ी देर हो गया. फिर हम अभी आए, अभी जस्ट आए हैं, 9:30 बजे आए, फिर घरों पे बात करी, काफ़ी देर हो गई. मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज है मंडे और सावन सोमवार का सेकेंड मंडे है आज. एंड आज विक्की ने सुबह सुबह, मैं आपको बताती हूँ क्या बनाया है, दिखाना जरा. सो इसमें है लौकी, धनिया, गिलोय और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का रस. हल्दी कौन डालता है? लिवर क्लीनिंग के लिए, ये डिटॉक्स, डिटॉक्स करने के लिए ये जूस बनाया है. काला नमक डाला कि नहीं डाला इसमें? चीयर्स, देखते हैं कौन पी पाता है. ना खट्टा है पर बहुत टेस्टलेस नहीं है. वेरी गुड. बाप रे, आपका आपका लीवर, आपका पेट, सब कुछ डिटॉक्स हो चुका होगा. मैं प्रोटीन पीने के मुझे रवाना से पिला दिया है फालतू में. अब मैं जाती हूँ कुकिंग करने के लिए. एंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सुबह सुबह वीडियो खत्म कर रही हूँ, शुरू करते हैं लोग, बट नेवर माइंड. ओके, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.